न्यूज 24 ने दर्शकों से अपील की थी कि अगर उन्हें मदद नहीं मिल रही है तो वो न्यूज 24 को वीडियो बनाकर भेजें। ऐसे में नाला रोड इलाके में रहने वाले मुकेश बिसारिया ने हमें एक वीडियो भेजा जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे पटना में मौजूद नाला रोड इलाका जलमग्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूरी कॉलोनी और वहाँ कॉलोनी में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। रोटरी पार्टी पुत्रा की तरफ से लगभग 2000 बोतल पानी, 2000 पैकेट ब्रेड, बिस्किट, एक ट्रक बिस्किट है और मोमबत्ती और माचिस की कुछ व्यवस्थाएं हैं। सुबह से राजेंद्र नगर रोड नंबर 6-7 से लोग फ़ोन कर रहे हैं, उनको जरूरत मतलब ये जरूरी सामान हम लोग को पहुंचाना है। अगर मान लीजिए कि सरकार से हम लोग विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहे हैं, पिछले 1.5 घंटे से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ 2 नाव की व्यवस्था होगी तो हम लोग कुछ हद तक सरकार के सहयोग से, अपने सहयोग से हम लोग कुछ जरूरी सामान जरूरतमंदों तक पहुंचा पाएंगे। कुछ लोग डायबिटीज लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो पानी की कमी की वजह से दवाई नहीं ले पा रहे हैं, उन तक दवाई भी पहुंचानी है। अगर सरकार इसमें 2 नाव की व्यवस्था कर दे, हम लोग फिलहाल नाला रोड पेट्रोल पंप के बगल में हम लोग सारे सामान के साथ इकट्ठा इंतजार कर रहे हैं नाव का। और चलिए अब एक दर्शक हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं, कुमार गौरव। कुमार गौरव, बताएं कि आपके इलाके में अभी क्या परिस्थितियां हैं वहां पर और किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। सर, ये मैं सेकंड फ्लोर तक, मेरा घर तक पानी आ गया सर। जितने भी नीचे गाड़ियां थी सारी डूब चुकी हैं और निकलने का कोई उपाय नहीं दिख रहा। और प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई मदद वहां पे, कोई रेस्क्यू टीमें नजर आ रही हैं? किस तरह की जो लोग हैं वहां पर गरीब, उनको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सर उस इलाके में? किसी तरह सर निकल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे जो भी हॉस्टल्स हैं सारे लोग डूबे हुए हैं और यहाँ बिजली की भी सुविधा पिछले 24 घंटों से नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी मोबाइल वगैरह सारे कंप्लीट डिस्चार्ज हो रहे हैं। और अभी क्या हालात है वहाँ पर, क्या बारिश वहाँ पे अभी भी हो रही है, बारिश रुक गई है वहाँ पे? नहीं सर, बारिश अभी लगातार हो रही है, बारिश रुकने का कोई अभी संभावना भी नहीं लग रहा है सर। बारिश पिछले दिनों से, काफी दिनों से बारिश हो रही है सर, इस बार रुकी नहीं है। चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपकी समस्या को हम प्रशासन तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक और वहां इस एरिया में जितने भी लोग फंसे हुए हैं उन तक प्रशासन की मदद पहुंचे और सुरक्षित जगह पे उनको पहुंचाया जाए।